तो हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं? तो आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल संध्या ब्लॉग्स में। तो आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं कुछ स्पेशल बनाने जा रही हूँ, तो वो स्पेशल है आलू पकौड़ी, जैसे आप वीडियो में देख सकते हैं। तो आज आलू पकौड़ी बनाने के लिए सबसे पहले हम आलू निकाल लेते हैं। अच्छे अच्छे आलू को हम छांट के निकाल लिए हैं और अब इसका कटिंग करेंगे छोटे छोटे पीसेस में। एकदम बारीक बारीक से काटना है, जिससे आलू पकौड़ी बहुत ही मस्त और स्वादिष्ट बनता है। तो आलू, ये मेरा अपना स्टाइल है ये आलू पकौड़ी बनाने का। तो आलू को हम एकदम छोटे छोटे बारीक में काट लेंगे सबसे पहले। तो देख सकते हैं हम किस तरह से आलू को पहले गोल गोल काटे, उसका पतला पतला फ्रेंच फ्राई जिस तरह से काटते हैं वैसे काटें, उसके बाद छोटे 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 पीसेस में काटें। और इधर मेरा बेटा कैमरे में आके आलू दिखा रहा था और परेशान कर रहा था मुझे। तो आप सब कैसे बनाते हैं आलू पकौड़ी, मुझे ज़रूर बताएगा। और मेरा रेसिपी आप सबको कैसा लगता है वो भी कमेंट में ज़रूर बताएगा। तो इधर हम आलू देख सकते हैं कैसे काट रहे हैं छोटे छोटे पीसेस में। तो आप सब मेरे वीडियो को देखते नहीं हैं, लाइक नहीं करते, सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे वीडियो को देखें और लाइक एंड सब्सक्राइब करें। तो इधर प्याज काटने से मेरा बहुत आंसू निकलता है, मेरे आंखों में जलन होता है, इसलिए मम्मी प्याज काट दे रही है। और तो देख सकते हैं मम्मी प्याज काट रही है, छोटे छोटे पीसेस में भी प्याज को काटना है। और इधर हम सबसे पहले अब इसको आलू को अच्छी तरह से वॉश कर लेंगे, एकदम अच्छी तरह से पानी से धो लेंगे। तो देख सकते हैं हम आलू को धो रहे हैं सबसे पहले, उसके बाद आलू को मतलब आलू को ऐसे मसल मसल के धोना है जिससे उसका सारा गंदगी चला जाए। तो देख सकते हैं आलू को हम कैसे मसल मसल के धो रहे हैं। और इधर मम्मी प्याज काट रही है, उसमें हम उस पतीला में डालते जाएंगे आलू को धो धो के। और मम्मी इधर प्याज काट रही है और मिर्ची काटेगी, उसके बाद हम पकौड़ी बनाएंगे। तो आप सब वीडियो में बने रहिए और मेरे रेसिपी को देखिए किस तरह से हम आलू पकौड़ी बनाते हैं। अभी मम्मी इधर मिर्ची काट रही है, तो यहाँ हम लोग ढेर सारे मिर्ची भी देंगे जिससे बहुत ही टेस्टी एंड थोड़ा तीखा बना जाए। उसके बाद इधर हम कढ़ाई चढ़ा दिए हैं और इसमें अब डालेंगे हम हल्दी, इसके बाद डालेंगे इसमें हम नमक, नमक अपने स्वाद अनुसार डालिए जिससे टेस्ट भी अच्छा है, अच्छी पकौड़ी बने। हम इसके बाद हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा खाने का सोडा और मसाला, ये है हमारा घर का मसाला जो घर में हम लोग पीसते हैं और यूज करते हैं। हम लोग ऐसे कोई ये मसाला यूज नहीं करते, सूखा ड्राई मसाला दुकान वाला। तो अब इधर हम बेसन डाल दिए थोड़ा सा, और इसमें और थोड़ा बेसन डालना है और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, आलू और बेसन को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसमें। देख सकते हैं हम मिक्स कर रहे हैं अब, और अभी पहले ऐसे मिक्स करते हैं, उसके बाद हल्का हल्का पानी डाल के मिक्स करेंगे इसको। तो इसमें और थोड़ा डालते हैं बेसन और इसमें अब थोड़ा पानी डाल के मिक्स करेंगे। पकौड़ी एकदम कुरमुरा और अच्छी बनती है, तो बहुत टेस्टी लगती है, और इसका तो सॉस के साथ खाने का मज़ा ही कुछ अलग है। तो अभी हम कढ़ाई में तेल देखिए गरम हो रहा है और इधर हमारा पकौड़ी का मसाला बनके तैयार हो गया है। और अब इसको
गरम होने का इंतज़ार कर रहे हैं तेल का। अब देखिए गरम हो चुका है और इसमें अब हम पकौड़ी डाल दे रहे हैं। देख सकते हैं छोटे छोटे कर करके ऐसे छोटे छोटे गोल गोल डाल रहे हैं, जिस पकौड़ी बहुत अच्छा लगता है। हम तो पकौड़ी ऐसे ही बनाते हैं, आप सब कैसे बनाते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और आप सबको मेरे रेसिपी कैसा लगता है वो भी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो पूरा कढ़ाई भर के हम डाल दे रहे हैं पकौड़ी को। तो इधर एक बार हो चुका है, अभी और डालेंगे, देख सकते हैं। तो हमारा पकौड़ी बन के अभी रेडी है, और अभी और डालेंगे। पकौड़े की रेसिपी बहुत ही आसान होता है, और इसको बनाने में ज़्यादा लेट भी नहीं लगता है, और इसमें ज़्यादा सामान की ज़रूरत भी नहीं होती है। इसमें आलू प्याज मिर्ची बस इस सामान से ही पकौड़ी तैयार हो जाती है, एकदम कुरमुरा पकौड़ी। इधर हम डाल रहे हैं और है पकौड़ी उसको, और इसको पकने के लिए छोड़ देंगे। तो देख सकते हैं हम वीडियो में दिखा रहे हैं किस तरह से पकौड़ी बनाए हैं अभी हम। तो देख अभी हमारा पकौड़ी इधर रेडी हो चुका है, और इधर हम जा रहे हैं। मेरा बेटा पहले से तैयार है, मांग रहा है पकौड़ी और दे दो और दे दो। तो हम अभी मेरे बेटा को पकौड़ी देंगे। तो मेरे बेटा को बहुत ही पसंद होता है पकौड़ी, तो इसलिए हम बना रहे हैं आज पकौड़ी। तो देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है, रेड ब्राउन ब्राउन। और अभी मेरे बेटा को पकौड़ी दे रहे हैं हम, और वो चला गया खाने के लिए अपने नानी के साथ, देख सकते हैं दौड़ते दौड़ते। तो आप सबको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा।